क्लास अज आप इस वीडियो के 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 करा फस्ट एंड सैकेंड आप प्रीवियस वीडियो कर चुके हैं क्वेश्चन नौ आप करा इस वीडियो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सो फस्ट थर्ड क्वेश्चन की कह रहा है अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय 2x-5 ठीक है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 f7 एंड f-3 यानी कि जो भी एफ एक्स दिता होया उस आपने 0 पुट करना है फिर वैल्यू चेक करनी है की आई है उस बाद 7 पुट करांगे उस बाद -3 सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट देखो की कह रहा वह कि एफ ऑफ 0 जेकर अपने फंक्शन की गल करिए फंक्शन अपने को है 2x-5 ठीक है जी फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है जो वो की बन जाएगा f0 का मतलब जिथे x है ये x है ना एफ ऑफ एक्स एफ जीरो का मतलब जिथे x है उत्थे की पुट कर दी आप 0 सो 2 × 0 - 5 सो 2 ते 0 की मल्टीप्लाई 0 ही आ जाएगी सो 0 - 5 दैट इज़ -5 सो एफ जीरो का आंसर की आ जाएगा थोड़े को -5 आ जाएगा ठीक है जी ये थोड़े को एफ जीरो का आंसर आ गया इस तो बाद सैकेंड पार्ट देखो की कह रहे हैं सैकेंड पार्ट दे विच है एफ 7 यानी कि जिथे भी एक्स है उत्थे आप की पुट कर दीए 7 पुट कर दीए यानी कि एफ ऑफ 7 एफ ऑफ एक्स की है 2x-5 है ना सो एफ ऑफ 7 पुट करांगे दैन 2 × 7 - 5 2 × 7 = 14 - 5 इसका मतलब की होया जो एफ 7 है की आ गया अपने को 14 - 5 कि 9 हो जाता होंगे ठीक है जी सो अपने को 9 आ जाएगा ये एफ 7 की वैल्यू इस बाद f-3 की वैल्यू की आएगी थोड़े को सेम एज इट इज़ अप्रोच करा आप कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x-5 है सो एफ ऑफ -3 इक्वल टू एक्स की जगह पर -3 पुट कर दें -5 एफ ऑफ -3 इक्वल्स टू 2 × -3 इज -6 -5 सो एफ -3 की आ जाएगा -± + हो जाएगा 11 बन जाएगा साइन माइनस आ रहेगा ठीक है सो यह -11 बन जूगा एफ ऑफ -3 इस तो बाद आप करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के कुछ अपने को फंक्शन गिवन है इस फंक्शन अपने सॉल्व करना फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी दी डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखो क्वेश्चन दे विच की कहा गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि द फंक्शन ओके द फंक्शन टी विच मैप्स टेंपरेचर इन डिग्री सेंसिस इन टू टेंपरेचर डिग्री फरनहाइट डिफाइंड बाय टी ऑफ सी हुण इस विच एक्स की जगह पर की फंक्शन है टी सी है ठीक है बेटा सी नूं ध्यान च रखना अपने सो सारी पुटिंग जो होनी है सी दे उत्ते होनी है क्योंकि टी दी वैल्यू है ओन सी ठीक है डिपेंड किहदे उत्ते करदी है सी दे उत्ते ही करदी है विच इज़ गिवन बाय 9c/5+32 इस वक्त आपां सारियां वैल्यूज़ ने जिहड़ियां फाइंड आउट करदे हैं इस दीआं फस्ट देखो फंक्शन टी सी लिता फस्ट पार्ट नूं सोल्व करांगे टी जीरो यानी कि कहने का मतलब है सी की जगह पर की पुट कर दी है 0 पुट कर दी है जे 0 पुट कर दी है ना फिर की आ जाएगा 9 इतने की पुट करिए 0/5+32 ठीक है जी सो टी जीरो है ना जो थोड़े को आ जाएगी 9 × 0 0 ही हो जाएगा 0 के नीचे 5 या कुछ भी हो भी तो आंसर 0 ही बन जाता होंगे ठीक है जी सारे दे नाल मल्टीप्लाई 0 होती है सो आंसर की रह जाएगा जस्ट 32 ये कहदे लई आंसर आ गया थोड़ा टी जीरो दे लई ठीक है जी इस तो बाद आपां अगली गल करते हैं सैकेंड पार्ट दे लई सैकेंड दे लई की कहा गया t28 यानी कि कह सकते हैं आपां कि जो टी सी है ना इसी सी दी प्लेस के उपर आपां की पुट कर दीए सी दी प्लेस से की पुट कर दीए 28 पुट कर दीए ठीक है जी सो हुण जेकर आपां 28 पुट करते हैं दैन 9 × 28/5+32 सो t28 कि आ जाएगा थोड़े को 9 and 28 नूं मल्टीप्लाई करवाने हैं मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा 252 ठीक है जी / 5+32 इतने तुम एलसीएम ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं t28 की आ जाएगा बेटा 5 एलसीएम लिता आपने सो 252 एज इट इज़ प्लस 5 नूं 32 नाल मल्टीप्लाई करवावे तो थोड़े को आ जाएगा 160 सो आप कह सकते हैं कि जो t28 है ना
इसका जो आंसर बन जाएगा साढ़े को प्लस करा तो बन जाएगा 400 12/5। ठीक है जी, सो ये थोड़ा आंसर बन जाएगा T28 का। इस तो बाद गल आएगी जी थर्ड की। ठीक है जी, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की कहा जा रहा अपने को T-10 यानी कि आप हूँ -10 है जोड़ा उसकी पुटिंग कर दी सी दे। सो थर्ड पार्ट आप करते हैं, थर्ड पार्ट के टी ऑफ -10 इक्वल्स टू, हूँ देखो 9C यानी 9C की जगह पर -10 पुट कर दी है, अपोन 5 है ही है। ठीक है जी, 9C की जगह पर -10 अपोन 5 है, उस बाद प्लस था 32। ठीक है जी, सो प्लस था 32। हूँ ध्यान दो, जेकर आप देखिए कि थोड़े को 5 to 10 की डिवाइडेशन हो सकती है विच इज़ गिवन 2। ठीक है जी, T-10 की आ जाएगा 9 - 2 बच गया प्लस 32, सो T-10 की आ जाएगा 9 to 2 की मल्टीप्लाई करवावे नैगेटिव के -18 बन जाएगा प्लस 32। सो आप T-10 देखिए दोहां की सबट्रैक्शन देखेंगे, दैन अपने को सबट्रैक्शन आएगी ना तो साइन आजगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वड्डी वैल्यू दे अगे पॉजिटिव है, सो 14 बन जाएगा। सो इस आंसर है जोड़ा वो की बन जाएगा थोड़े को 14। ठीक है जी, थर्ड पार्ट है जोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया। इस बाद आप गल करेंगे फोर्थ पार्ट की, ध्यान देने की गल है फोर्थ पार्ट के उत्ते। फोर्थ के की कहा गया द वैल्यू ऑफ सी, कहिंदा सी दी वैल्यू पता करो। ठीक है जी, सी दी वैल्यू हूँ फाइंड करनी है आपने, इस सी दी वैल्यू वैन TC इज गिवन बाय 212। हूँ TC अपने को गिवन है, आ वाली वैल्यू गिवन है बेटा। ठीक है जी, इस पार्ट में अच्छी तरह देखो की है। ठीक है जी, इससे लिए की करना है, इतों ही आप ड्राइव करांगे फोर्थ जो पार्ट है, ध्यान दो फोर्थ पार्ट है जो इसनों अच्छी तरह देखना, जो अपने को वैल्यू है सी दी पता करनी है, TC कि गिवन है 212। हूँ पहले इस वैल्यू की जगह के उत्ते जो TC है इस जगह पर आप पुट कर सकते हैं 212 लॉज विच इज़ इक्वल टू 9C रहन दो, अपॉन 5 भी रहन दो, प्लस 32। यस इट इज़ राइट। हूँ ध्यान दो, हूँ की आऊगा बेटा 212 एज इट इज़ पिया, उस वक्त जो 32 है लैफ्ट साइड से ट्रांसपोज होकर नैगेटिव का हो जाएगा, -32 विच इज़ इक्वल टू 9C/5। सो 212 - 32 करांगे तो 180 आ जाएगा बेटा थोड़े को। ठीक है जी, 180 विच इज़ इक्वल टू 9C/5। ठीक है जी, इस तो बाद हूँ आप इस 5 नूं इधर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो अपने को 180 है मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 9C। ठीक है जी, उस बाद इस 9 नूं डिवाइड करवा दीए, 180 × 5 = 9 = C, 9 × 9 एंड 9 × 18 = 0। सो आप कह सकते हैं कि 9 नूं आपां 20 ना मल्टीप्लाई करेंगे 180 बन गया थोड़े को, यानी कि 20 × 5 विच इज़ इक्वल टू सी, 5 to 20 नूं मल्टीप्लाई करवावे कि बन जाएगा बेटा 100। सो सी दी वैल्यू अपने को आ गया 100 आ गई। ठीक है जी, सी दी वैल्यू की आ गई साढ़े को 100। सो इस इस क्वेश्चन में अपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, सी दी वैल्यू आ गई। इस बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के अपने की करना है बेटा, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अपन तीन फंक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सैकेंड और थर्ड पार्ट, इस अपने रेंज फाइंड आउट करनी है, जस्ट रेंज। ये गल का ध्यान देना, रेंज रेंज का मतलब अपने को है f(x) की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू पता करनी है अपने इस। ठीक है, रेंज। सो आप करते हैं इन स्टार्ट जी। फस्ट पार्ट के अपने की करना है, जिमें f(x) गिवन है फंक्शन अपने को, सो ये रेंज पता करनी है, कंडीशन गिवन है। ठीक है जी, हुण रेंज का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू यानी आ वैल्यू है ना जी फंक्शन की, यानी कि वाई की वैल्यू किन्नी होवे। ठीक है, कितने तो कितने तक जा सकती है। हुण जे आपां गल करिए कि यह 0 आ मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो 2 चो कुछ घट रहा है, जे 0 नहीं है 0 तो ग्रेटर कहा, जे आपां 1 पुट करते हैं 2 पुट करते हैं या कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो आप की कह सकते हैं। देखो 0 पुट करती फॉर एग्जाम्पल, तो अपने को 0 पुट करे तो की आ जाना 2, बट 0 आप पुट कर नहीं सकते क्योंकि
क्योंकि जीरो तो ग्रेटर के ही है गल, जीरो तो ग्रेटर यानी आप जीरो तो वड्डी कोई भी वैल्यू ठीक है वन या वन ओवर टू कुछ भी पुट कर दीए, यानी कह सकते हैं कि जो भी मर्जी पुट कर दीए तो टू चो माइनस हो रही है वह वैल्यू, जे टू चो लिटल बिट भी माइनस हो रही है यानी कि जी वाई की वैल्यू होगी वो की होएगी लैस दैन टू ए होएगी ना, जे एक्स तो ग्रेटर एक्स जीरो तो ग्रेटर आप वैल्यू कोई भी पुट करिए वन टू थ्री फोर कुछ भी पुट करी जाइए तो वैल्यू टू तो घट ही आऊगी, यानी कि वैल्यू हमेशा कि आई जानी है नैगेटिव आई जाऊगी, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि टू तो वैल्यू की आई जाएगी हमेशा घट ही आई जाऊगी बेटा, टू तो वैल्यू जेकर टू तो घट ही आई जाऊगी तो आप कह सकते हैं कि लैस दैन टू, यानी कि आप नंबर लाइन पर चलीए इनफिनिटी टू नैगेटिव इनफिनिटी वन एंड टू, टू तो घट यानी कि टू तो घट हूँ ओपन इंटरवल है क्योंकि घट आ स्ट्रिक्टली टू के बराबर नहीं हो सकती, टू के बराबर कदों हो सकती सी जो एक्स में आप की पुट कर सकते होंगे जीरो तो टू आ जानी सी बट जीरो पुट नहीं कर सकते इस मतलब टू तो घट ही रहेगी, जो टू तो घट रहेगी तो आप कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल रहूगा यह भी ठीक है जी, टू नहीं होगा ओपन इंटरवल रहूगा तो माइनस इनफिनिटी तक, यानी कि जो रेंज है ना वो कितने तक बिलोंग करूगी माइनस इनफिनिटी तो स्टार्ट होके कितने तक टू तक ओपन इंटरवल दे विच रहूगी, ठीक है जी फर्स्ट क्वेश्चन दे लिए। उस बाद क्वेश्चन नंबर टू जो सैकेंड है सैकेंड दे विच आपां देखना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस टू, एक्स इज अ रियल नंबर, हुण देखो एफ एक्स एक्स स्केयर प्लस टू आ, एक्स स्केयर प्लस टू के आप देखिए इतने कोई कंडीशन नहीं गिवन, यानी आप कह सकते हैं कि एक्स में चाहे जीरो पुट कर लीए चाहे वन चाहे टू, हूँ जी आप फॉर एग्जाम्पल जीरो भी पुट कर लें ना इनू जीरो भी पुट कर लें तो भी वैल्यू की आ जाऊगी घट तो घट टू तो आऊगी, उस तो बाद वड्डी वैल्यू जो पुट करी जावे तो वैल्यू वधी जाऊगी, ठीक है जी थ्री वन पुट कर लिए वैल्यू है जी थ्री आ जाऊगी, ठीक है जी वन पुट कर लिए वैल्यू वन की स्केयर वन ही आ जाएगी, ठीक है जी सो वैल्यू की आ जाएगी बेटा थ्री आ जाएगी, सो वधी जाऊगी वैल्यू आप जो जो पुट करी जावे, यानी कि जो भी वाई की वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर दैन टू या इक्वल टू टू या टू के बराबर या टू तो प्लस होगी, ठीक है जी इतों ही आप पता लगा सकते हैं या टू तो प्लस होगी, यानी आप कह सकते हैं कि जो ये इंटरवल है जो नंबर लाइन पर देखिए जीरो नैगेटिव इनफिनिटी टू इनफिनिटी वन एंड टू तो ग्रेटर है ना उरे बराबर, यानी कि आप कह सकते क्लोज इंटरवल फॉलो होगा उरे, ठीक है जी क्लोज इंटरवल टू तो लैके इनफिनिटी तक, यानी कि आप कह सकते हैं जी रेंज है ना रेंज कितने तक जाऊगी इसकी रेंज आएगी टू टू इनफिनिटी, इनफिनिटी हमेशा ओपन होंगे तो टू क्लोज्ड आएगा क्योंकि इक्वल है टू की बराबर वैल्यू आ रही है। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में देखिए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ बहुत सिंपल फंक्शन हो जाता हूँ जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है क्योंकि इतने जो भी वैल्यू तुम एक्स की पुट करी जाओगे उ आंसर आई जाना, ठीक है ना वाई का आंसर उही आई जाना, जे आप उरे फॉर एग्जाम्पल कोई कंडीशन नहीं गिवन सो जीरो पुट कर लिए जीरो आ जाएगा, वन पुट कर लिए उरे वन आ जाएगा, टू पुट कर लिए अपने को टू आ जाएगा, जो भी पुट करी जावे उ आई जाएगा, हूँ रियल फंक्शन है रियल नंबर है सो आप कह सकते हैं कि जेकर इसकी गल की जाए रेंज की डोमेन जी जमेन पुट की उ रेंज आ गई, सो रेंज है जी अपने को सारी की आ जाएगी रेंज अपने को सारी आ जाएगी रियल नंबर आर, ठीक है जी सो रेंज अपने की लिख देनी है आर लिख देनी है रियल नंबर इट्स अ रेंज ओके, क्योंकि सारिया वैल्यूज ये पुट हो के सारे आंसर आई जाने हैं, ठीक है थोड़े रियल नंबर, सो देख के फंक्शन तुम जज कर सकते हो, जो सेम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स होवे तो उसकी रेंज है तो डोमेन दोनों चीज़ा की होंगे ने रियल हो जाएं होंगे ने, ठीक है इस दे नाल ही थोड़ी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी तो यह चैप्टर भी फिनिश हो गया थोड़ा ओके थैंक यू बेटा।